हेलो गाइस, वेलकम इन टू आवर क्लासेस यूट्यूब चैनल। जब यहाँ पे लेटेस्ट एसएससी का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए हम कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उसमें हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आप कह रहा हूँ कि देखिए, एक मिश्र धातु में 12% कापर है और 59 kg कापर प्राप्त करने के लिए किसी मिश्र धातु कितनी मिक्स धातु चाहिए। यानी देखो, कोई एक उसका जो मिक्सचर है उसमें 12% कॉपर है, तो वो मिक्सचर हमें कितना चाहिए कि हमें उससे 69 kg कॉपर मिल जाए। तो देखिए, 12% को अगर हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12/100। तो ये 100 क्या होगा, ये हमारा मिक्सचर होगा और ये 12 क्या होगा, कॉपर। यानी जब अगर हमें 12 कॉपर चाहिए, 12 kg कॉपर, तो हमें 100 kg मिक्सचर चाहिए होगा। तो यहाँ से कहते हैं कि 12 ही क्या है हमारा, 69 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 69/12। तो हमें कितना चाहिए होगा, 100 kg, हमें कितना चाहिए, जो मिक्सचर हमारा 100 है, तो 100 अगर हमारा मिक्सचर है तो जो मिक्सचर हमें रिक्वायरमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 100 × 69/12। तो इसको अगर सॉल्व कर दे, यहाँ पे हो जाएगा ये 25, इधर हो जाएगा 3, तो ये 2 और 3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 57। तो 575 kg हमें टोटल मिक्सचर चाहिए होगा, उससे हमें 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे कॉपर का कितना परसेंटेज है उस मिक्सचर में, वो गिवन था। अगर यहाँ पे कॉपर का न गिवन होगी, ये कह देता था कि उसमें जो अशुद्धियों का परसेंटेज दिया होता और हमें से कहता कि उसका कॉपर चाहिए होता। तो अगर ये कहते कि ये अशुद्धि है, 12% उसमें अशुद्धि है, तो यहाँ पे अगर कॉपर का जो परसेंटेज हो जाता, अगर 12% हमारे क्या है उसमें अशुद्धियां हैं, जब हमारा 12% क्या है, अशुद्धियां हैं, तो उसमें जो कॉपर कितना हो जाएगा, उसमें कॉपर 88% हो जाएगा। तो हम वहां पे कॉपर का परसेंटेज उसमें माइनस करके भी निकाल सकते थे। तो वहां पे किसी भी लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा के कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि एक मिक्सचर का जो टोटल वेट होगा वो क्या होगा, 100%। तो 100% में हम माइनस कर देंगे तो हमारे कॉपर का परसेंटेज आ जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहे हैं देखिए कि 8 रुपए कीमत वाली 10 kg गेहूं और 10 रुपए कीमत वाली 15 kg गेहूं को एक साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का औसत कितना होगा, यानी औसत कीमत कितनी होगी। देखिए, यहाँ पे एक तरह हम कहते हैं ये प्राइस है और ये उसका क्या है, वेट है। तो एक तो वेट और प्राइस, तो अगर जो 8 रुपए कीमत वाला कितना है, वेट 20, तो उसकी कितना टोटल प्राइस हो गया, टोटल जो मनी कितनी हो गई, यहाँ पे अगर कहते हैं मनी उसकी हो गई, यहाँ पे देखिए 80 हो गई। अब इसके बाद 10 रुपए वाला, तो 10 रुपए वाला वेट कितना हो गया, 15 kg, तो इसमें कितना मनी हमें लगेगा, 150। तो यहाँ पे टोटल मनी देखिए कितना हो गया, ये टोटल मनी यहाँ से अगर जोड़े तो ये इसका हो गया 230 रुपए टोटल मनी होगी, लेकिन टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट इधर 25 हो गया। तो हमें चाहिए कि उसका एवरेज वेट कितना होगा, यानी उसका एवरेज प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 230/25 करें, तो अगर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो यहाँ पे 4 × 2 = 92, इधर नीचे हो जाएगा 100, तो एवरेज प्राइस हो जाएगा 9 रुपए 20 पैसे। देखिए, एक तो ये तरीका था, अगर इसको और आप कम टाइम पे करना चाहते हो, डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि जो 10 kg का होगा कितना है, 8 × 10 + और इधर कीमत कितनी हो जाएगी, 150 / टोटल वेट है, एक 10 kg, एक 15 kg, तो 10 + 15। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 और 150, तो ये हो जाएगा 230/25, तो इसका जो आंसर जाएगा 9.2 kg। तो एक आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, एक या आप ऐसे टेबल बना के सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको सिंपल लगे आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 60 रुपए kg और 65 रुपए kg की चाय की किस अनुपात में हो जाए कि उनका जो एवरेज है 68.2 रुपए kg। इस क्वेश्चन करने के पहले दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस कर चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे अब एक दूसरा क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं, उसको फिर बाद में इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर 30% एल्कोहल की मात्रा वाले मिश्रण में 50% एल्कोहल की मात्रा मिला दिया जाता है, तो जो अनुपात मिलाया जा रहा है उसमें नए मिश्रण को 45% एल्कोहल होनी चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे कहें कि जो फर्स्ट है ये सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट में कितना 30% एल्कोहल और सेकेंड में
50% एल्कोहल है। अब हमें चाहिए कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें कितना 45% एल्कोहल हो। तो देखिए जब हमें मिक्सचर है तो अगर हम उसका रेशियो चाहिए तो यहाँ पे देखिए माइनस कर दीजिए। तो देखिए सेकंड में ये मिक्सचर माइनस करिए और फर्स्ट के नीचे लिखना होगा, यानी सेकंड का सेकंड में माइनस करेंगे। इसमें देखिए डिफरेंस हमें निकालना होता है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट में सेकेंड, यहाँ पे डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है, 5 का, क्योंकि डिफरेंस उसका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कह दूँ सेकेंड में ये आपको एवरेज माइनस करना है तो वहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा 5, इधर देखिए डिफरेंस कितना हो गया 15 का। तो ये जो डिफरेंस आएगा यही उनके फर्स्ट और सेकेंड का मिलाने का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए किस रेशियो मिलाएंगे उसको, 1:3 में, यानी फर्स्ट रेशियो जो सेकेंड आएगा वो कितना हो जाएगा 1:3, इस रेशियो मिलाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं बताना क्या मोटिव था कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 45% दे रखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 45% लिख लिए। लेकिन जैसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उस पर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 68.2 यानी 68.20 रुपए पर केजी बेचने पर उसको 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका मिक्सचर का प्राइस ना दे के उसकी जो इनकम है उसमें उसका जो हो रहा है उससे 10% प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस है 68.20, इसमें देखिए तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, ये हो गया इसका सीपी, ये हो गया इसका प्रॉफिट। तो एसपी इक्वल टू यहाँ से हो गया कितना 11 ही क्या है 68 रुपीज एंड 20 पैसे। तो यहाँ देखिए 1 = क्या हो जाएगा 6 रुपए एंड 20 पैसे। तो यहाँ से देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे 10 = क्या हो जाएगा 62 रुपीज, यानी जो उसका कास्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 62। तो अब देखिए ये 62 ही हमें क्या लेना कि देखिए एक फर्स्ट क्या है 60 रुपए वाला है और सेकेंड क्या है 65 रुपीज वाला। तो इन दोनों को जो मिलाते हैं तो हमें कितने रुपए वाला प्राइस मिलता है, 62 रुपए वाला, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या होगा कास्ट प्राइस होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उसको जब कास्ट प्राइस 62 रुपए मिक्सचर करने के बाद बनेगा तो ही उसको 68 रुपए में बेचेंगे तभी तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। अगर वो डायरेक्ट उसको 68 रुपए का बनाएंगे मिक्सचर तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे। जब भी प्रॉफिट और लॉस का केस अगर ऐसा आए तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, ऑलवेज सीपी लेना होगा, चाहे प्रॉफिट का केस हो या लॉस का केस हो। तो आप देखिए इधर कितना हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस आया 3, तो इधर का डिफरेंस आया 2। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे, 3:2 के रेशियो में मिलाएंगे। तो जो हमारा 60 kg और 65 kg का रेशियो हो जाएगा 3:2 में मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक सोनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट का है और दूसरा 16 कैरेट का है, शुद्धता वाला है। तो हमें उनके अनुपात को किस अनुपात में मिलेगा कि 15 कैरेट का हमें शुद्ध सोना मिल जाए। देखिए सेम नहीं पे ये फर्स्ट सेकंड, पहले का कितना है 12 कैरेट, दूसरे का है 16 कैरेट, हमें प्राप्त करना है 15 कैरेट का सोना। देखिए इसका डिफरेंस हो गया 1 का और इसका डिफरेंस हो गया कितना 3 का। तो जो फर्स्ट और 12 कैरेट और जो 16 कैरेट वाले किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:3 के रेशियो मिलाएंगे, जिससे हमें 15 कैरेट का शुद्ध सोना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देख कह रहे हैं कि 180 kg और 280 kg लागत वाली दो किस्म की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि उसका जो मिश्रण 330 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। यहाँ फिर देखिए प्रॉफिट का केस आ गया, इसके पहले भी हमने प्रॉफिट का केस किया था, फिर से प्रॉफिट का केस आया। तो यहाँ पे देखिए क्या 330 इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, हमें निकालना है उसका सीपी कितना होगा। अब यहाँ प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना है 20%, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ से देखिए ये हो गया इसका सीपी और ये हो गया एसपी, सॉरी ये उसका प्रॉफिट होगा एसपी नहीं। तो यहाँ पे एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू इसका 6 ही क्या है 330, तो 1 = हो जाएगा 55, यहाँ 1 = 55 आ गया। तो हमें चाहिए 5, तो 5 = यानी इसका जो सीपी 5 है, तो 5 = कितना हो जाएगा 5 × 2 = 275 रुपए उसका क्या आ गया सीपी। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि उसका 180 रुपए में फर्स्ट का जो है फर्स्ट 180 रुपए केजी का और सेकंड क्या है 280 रुपए केजी का, उनको जब मिलाएंगे तो 275 रुपए केजी का मिक्सचर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आया 5 का डिफरेंस, इधर कितने का डिफरेंस है, इधर इसका जो डिफरेंस आया
वो 95 का डिफरेंस आया, इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो यहाँ पे आएगा 1:19। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो आएगा 1:19 में मिलाने पे 275 रुपए सीपी वाला। यहाँ पे देखिएगा सीपी, यही चीज हमें बस याद रखना कि यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हमें सीपी की वैल्यू लेनी होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक मिश्रण को एक निश्चित मात्रा में दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1 रुपए 80 पैसे हो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए मिल्क हो गया और ये हो गया वाटर। देखिए वाटर तो हमें सब जगह फ्रीली अवेलेबल है, हमारे घर में भी है, तो जो वाटर का जो प्राइस होगा क्वेश्चन में जब तक नहीं दिया हो कि वाटर का कोई रेट है, तो हम वाटर को ऑलवेज ये मान के चलेंगे कि वो फ्री में मिला हुआ है, तो पानी फ्री में लिया हो, तो यहाँ पे देखिए जीरो हो जाएगा उसका प्राइस। इसके बाद देखिए जो शुद्ध दूध का प्राइस है कितना, 1 रुपए 80 पैसे, तो जो मिल्क का 1 रुपए 80 पैसे यानी 180 पैसे मिल्क का रेट हो गया। अब देखिए तो दोनों मिला रहे उसका एवरेज प्राइस कितना हो गया, 90 पैसे, यानी 90 पैसे में मिक्सचर को बेचा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए वाटर और मिल्क का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जीरो और 90 का डिफरेंस 90 और इसका भी डिफरेंस क्या हो गया 90, तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या हो गया 1:1। यहाँ पे कह रहा है कि जो पानी कितना मिलाया जा रहा है 16 लीटर, देखिए पानी यहाँ पे कितना हो रहा है, पानी हमारा कितना हो गया 16 लीटर, तो हमारा मिल्क भी क्या हो जाएगा 16 लीटर। यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे पूछा दूध की मात्रा कितनी प्रति लीटर हो, तो मिक्सर में दूध की मात्रा, तो मिक्सर में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, जो मिल्क हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 16 लीटर। तो जो हमारा मिल्क की क्वांटिटी है वो कितनी है 16 लीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा था कि 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, और मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो देखिए जब यहाँ पे इस टाइप के जब क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कि सिर्फ हम एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं दूसरी क्वांटिटी फिक्स है, तो हमें सिर्फ फिक्स वाली क्वांटिटी को इक्वल रखना है और उसको हमें आगे रेशियो उसका फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या, एक है मिल्क है, दूसरा है वाटर। देखिए स्टार्टिंग उसका रेशियो गिवन है, यहाँ पे देखिए कहते हैं कि ये जो फर्स्ट कंडीशन में हमें जो रेशियो दूध और पानी का, तो 2:1 में है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन में दूध हमें चाहिए 1 और पानी चाहिए 2, तो देखिए हम सिर्फ उसमें पानी मिला रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है कितना पानी और मिला, जब पानी मिला रहे हैं तो हमारा दोनों केस में दूध क्या होगा समान। देखिए अगर यहाँ पे दूध, यहाँ भी दूध 2 लीटर 2 को ही बना लेते, यहाँ पे 2 को बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इधर भी देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो, देखिए 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। देखिए स्टार्टिंग में दोनों केस में हमारा दूध क्या हो गया समान हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग में पूरा मिल्क कितना था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए मिल्क 2+3 ये 3 है, और स्टार्टिंग कितने लीटर था 75, 3 ही क्या हो गया 75, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कह सकते हैं कितना हो गया 25। देखिए 1 की वैल्यू 25 हो गई। अब हम यहाँ कह सकते हैं देखिए पहले 1 था पानी, अब हो गया 4, कितने का डिफरेंस हो गया 3 का डिफरेंस सॉरी गाइस, देखिए डिफरेंस 3 का हो गया, तो हमें कितना पानी मिलाना है 3, तो 3×25 तो हो जाएगा 75 लीटर हमें पानी को मिलाना है, यानी 75 लीटर पानी को मिलाएंगे तो हमारा जो रेशियो 2:1 का, सॉरी 1:2 हमारा हो जाएगा दूध और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए 2 बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है और 5:3 है, तो देखिए ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। फर्स्ट में अम्ल और पानी, यानी देखिए अम्ल कितना है 3 और 3 और 1 पानी है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 4, यानी अम्ल 3 है और पानी 1 है, तो टोटल मिक्सचर 4 हो गया, 4 में से 3 हमारा क्या है अम्ल। और दूसरा केस कह रहा है कि अम्ल हमारा 5 है और 3 पानी है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 8। तो हमें जब रेशियो गिवेन हो तो उसमें हम उसको फ्रैक्शन नंबर कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें देखिए किस अनुपात में बनाना है, 2:1 में बनाना है, देखिए 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा अम्ल हो गया और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 3। तो अब देखिए इसको माइनस कर डिफरेंस निकाल, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16-15/24, तो हो जाएगा 1/24। अगर इन दोनों का इधर डिफरेंस निकालें तो यहाँ देखिए हो जाएगा 9-8/12, इन दोनों का इधर डिफरेंस हो जाएगा 9-8/12, तो ये हो जाएगा 1/12, इधर हो जाएगा 1/24।
तो अगर इसका जो रेशियो सिंप्लीफाई करें कि 1 बाई 24 रेशियो 1 बाई 12 आएगा, तो 24 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो 2 का आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो आ गया 1 रेशियो 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए कि बर्तन में अम्ल और पानी का जो अनुपात 5:2 है, यानी एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 है एक बेसल ए में, और बी के जो बी में है बेसल बी में उनका रेशियो 8:5 में है। तो हमें एक उनको किस रेशियो मिला है कि जो हमारा एक मिक्सचर बने वो 9:4 यानी कि 9:4 में उनका मिक्सचर नया बने। देखिए सेम यहाँ पे ये इधर ए हो गया, ये इधर बी हो गया। स्टार्टिंग में जो रेशियो था कितना था 5:2, यानी 5 अम्ल है, टोटल मिक्सचर कितना है 7, और बी वाले बेसल में कितना है 8 अम्ल है, टोटल मिक्सचर 13 है। हमें उसको मिलाना है किस रेशियो मिलाएं कि 9:4 हो जाए, तो 9 अम्ल और टोटल मिक्सचर 13। तो इनका देखिए डिफरेंस आ गया 1/13, और इधर अगर डिफरेंस निकालें तो इधर जो इनका डिफरेंस आएगा, इधर 1/13 है डिफरेंस, इधर डिफरेंस आ जाएगा ये 65 - 63/91, तो ये हो जाएगा 2/91। तो इधर 2/91 हो जाएगा 1/13 रेशियो 2/91। तो ये इसका क्या हो जाएगा रेशियो। इसको और सिंप्लीफाई में अगर कन्वर्ट करें तो इसको अगर 91 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए 7:2, तो 7:2 का इसका मिक्सचर हो जाएगा, यानी ए 7 हो जाएगा और बी 2। इस अनुपात में मिलाएंगे तो हमें रेशियो 9:4 का मिल जाएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं, और आप कमेंट करें हमारे इस वीडियो में कि ये वीडियो आपको जैसा भी लगा उसके बारे में जरूर कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ ही आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम प्रोवाइड प्रयास करेंगे जितना जल्द से जल्द हो सके उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड करने का। ओके गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।